पिछले कई दिनों से ईवीएम के खिलाफ पूरे देश भर में माहौल बन रहा है और सोशल मीडिया पे कई वीडियो देखे गए जो ईवीएम के तोड़ते हुए दिखाई दिए गए। तो ईवीएम का लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और इसका इस्तेमाल पहली बार 2004 के लोकसभा इलेक्शन में किया गया और कांग्रेस जीत गया। फिर इसका इस्तेमाल 2009 के लोकसभा इलेक्शन में किया गया और फिर से कांग्रेस जीत गया। तो उस टाइम अपोजिशन में बीजेपी थी और बीजेपी को ये शक हुआ कि ईवीएम में जो वोट डाला जाता है वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ईवीएम में वोट तो डाला जाता है पर उसका ट्रांसफर किसी और पार्टी में होता है। तो ये 2014 में जब इलेक्शन फाइट होने वाला था उससे पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता है और लाल कृष्ण आडवाणी ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ केस लेके गए। तो आरएसएस को लगा कि ये तो आरएसएस से ये लोग निकले हुए नेता थे और ये लोग चले गए, तो फिर कांग्रेस को ये लगा कि ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ऐसे में ईवीएम बैन हो जाएगा। तो फिर जो सवर्णों की जो पार्टियां है जो सरकार बनाती है और केंद्र में सरकार चलाती है वो बार बार चुन के आ रही है, फिर बड़ा मुश्किल में फंस जाएगी। तब बीजेपी का और कांग्रेस का दोनों का समझौता हुआ कि दो बार आप चुन के आए हैं ईवीएम से, दो बार हमें मौका दिया जाए। तो दो बार कांग्रेस शासन की है और दो बार बीजेपी शासन कर चुकी है। अब तीसरी बार जब दो दो बार का टर्म इन लोगों का समझौता खत्म हो गया, अब तीसरी बार मान लीजिए 2024 का चुनाव है तो फिर आने वाली कौन है चुन के, ये तो बात का विषय है। पर बहुजन समाज के जो संगठन है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि वोट बहुजन समाज का है और राज्य कोई और करे ऐसा थोड़े चलता है। तो बहुजन समाज के जो नेता है इस पर अब अपनी प्रतिक्रिया अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। अब बाम सेफ ऐलान कर दिया है कि 31 जनवरी से ईवीएम के खिलाफ चुनाव आयोग के घेरा जाएगा और इससे पहले कांग्रेस ने ऐसा माहौल बनते हुए देखा तो उसने अपने पार्टी जो उदित राज है कांग्रेस का उसको आगे कर दिया कि ईवीएम के खिलाफ तुम माहौल बनाओ और नौटंकी करो कि हम ईवीएम के खिलाफ खड़े हैं और ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पर क्या कांग्रेस ने ये नौटंकी जानबूझ के शुरू किया है? चूंकि उदित राज को आगे कर दिया है और कांग्रेस के जो मेन नेता है वो आगे नहीं आ रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं, तो क्या उदित राज से ईवीएम बैन हो जाएगा? फिर कुछ दिन पहले महमूद प्राचा और कई सारे वकील जो हैं वो लोग ईवीएम के खिलाफ मांग करने लगे कि हमें 150 ईवीएम दिया जाए और हम इसे लाइव हैक करके दिखाएंगे, पर पुलिस प्रशासन जो दिल्ली में उनको घेर लिया और उनको डिटेन कर लिया और ईवीएम चुनाव आयोग तक ईवीएम लेने के लिए नहीं पहुंचने दिया। उनका कहना था कि हमें 150 ईवीएम दिया जाए, बदले में पैसे भी हम देंगे ईवीएम को और हम ईवीएम को लाइव हैक करके दिखाएंगे, पर उसे पुलिस गिरफ्तार कर लिया। उनका क्या हुआ नहीं हुआ उनका आंदोलन पता नहीं। उन्होंने ऐलान किया था कि रामलीला मैदान से इसका विरोध करेंगे और प्रदर्शन देश भर में शुरू किया जाएगा। इसी बीच बामन मेश्राम का एक बयान आता है कि ईवीएम के खिलाफ 31 जनवरी से पूरे देश भर में प्रदर्शन होगा। क्योंकि बाम सेफ जो है और बामन मेश्राम उनका एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, जाल है और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके पास बहुत पकड़ है, जनता के बीच में उनका पकड़ है और जो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है सरकारी कर्मचारी के में भी उनका बहुत बड़ा पकड़ है और उनके जो लीडरशिप है वो बहुत सोच समझ के अपनी रणनीति बनाती है और वो अपने रणनीति और एजेंडे पे काम करती है। तो 31 जनवरी 2024 से पूरे देश भर में ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट है और करीब पाँच उनका ऐलान है बामन मेश्राम का, करीब 5 लाख लोग ईवीएम के खिलाफ चुनाव आयोग पर का घेराव करेंगे और पूरे देश भर में चक्का जाम करेंगे। तो अगर चुनाव आयोग के कार्यालय पर 5 लाख लोग पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी चुनाव आयोग पे दबाव होगा और क्या देखना है कि चुनाव आयोग अब जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन आने वाला है जो बहुत ही करीब है, तो 2024 में जो इलेक्शन होगा क्या बैलेट पेपर पे होगा या चुनाव आयोग पे होगा? अब पूरे देश भर में बहुत सारे लाखों सबूत है ईवीएम के खिलाफ, जहाँ पे जो कैंडिडेट है जो विधायक है एमपी है एमएलए के लिए खड़ा हो रहे हैं जो खुद डालते हैं उस बूथ पे उनका खुद का वोट नहीं निकल रहा है, ऐसे कई सबूत है। तो अब पूरे देश भर में और कई बहुजन समाज के नेता है जो वो ईवीएम के विरोध में और कई सबूत के साक्ष्य के साथ बता रहे हैं कि ईवीएम पे विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि ईवीएम का वोट ट्रांसफर होता है एक से दूसरे के नाम पे। तो आने वाले समय में ईवीएम रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि जापान जो देश बना रहा है अभी भारत के लिए ईवीएम जापान बना रही है और कई देश है जैसे कि रूस है
अमेरिका है, यूरोप जैसे देशों में ईवीएम बैन है। क्यों बैन है? वो लोग टेक्नोलॉजी में, साइंस में महारत हासिल किए हुए हैं, तब भी ईवीएम वहाँ बंद क्यों है? क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं कि ईवीएम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है। जब चांद जैसे उपग्रह पे चंद्रयान 3 जा सकता है और वहाँ धरती पर से कंट्रोल किया जा सकता है, तो ईवीएम को कंट्रोल करना कौन सी बड़ी बात है? और तो अमेरिका जैसे देश में, रूस जैसे देश में, जापान, इटली, जर्मनी जो ईवीएम को एक बार इस्तेमाल किया और समझ गया कि ये ईवीएम भरोसे लायक नहीं है और बंद कर दिया, ईवीएम को बैन कर दिया। वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है, बैलेट पेपर में फिजिकल एविडेंस होता है, इसलिए उन जो टेक्नोलॉजी के मामले में महारत हासिल किए हुए इंग्लैंड जैसे देश, अमेरिका जैसे, यूरोप के देश हो, जैसे रूस देश हो गए, यूरोप में जो भी देश हैं, उन लोग में टेक्नोलॉजी में बहुत महारत हासिल करके भी वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो अब देखना है भारत का जो चुनाव आयोग है, वो ब्राह्मण और बनियों का कब्जा है, वो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, और सत्ता में भी ब्राह्मण बनिया है जो केंद्र में, राज्य में तो कोई भी बना लेता है अपनी सरकार, राज्य में तो बना लेता है, उनका दोनों का समझौता रहता है। चूंकि ईवीएम अब अगर बैन होगा तभी जाकर के जो वोट है वो सही पार्टी को जा पाएगी, तब तो हमारे बहुजन समाज के नेता, हमारे बहुजन समाज के जो संगठन है वो सत्ता में, केंद्र में, राज्य में तो कोई भी आ सकता है, पर केंद्र में वो आने देना नहीं चाहती है। अगर केंद्र में आ गया तो बहुजन क्रांति होगी, बहुजनों के लिए बहुत कुछ, अपनी वर्चस्वता, अपनी नौकरी में और बहुत सारे अधिकार मिलने वाले हैं। तो वो लोग चाहते नहीं है कि जो बहुजन समाज के संगठन है, बहुजन समाज के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी की आवाज़, हक और अधिकार की आवाज़ उठाते हैं, वो लोग केंद्र में ना आने पाए और वहाँ पे सिर्फ RSS का कब्जा रहे, और RSS के जो विंग्स हैं, राजनीतिक विंग्स, जैसे कि BJP RSS की राजनीतिक विंग्स है, BJP को बनाने वाला कौन है? RSS ही बनाने वाला है। वहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये तीनों निकल के आए थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। ये तीनों RSS से निकल के BJP बनाए थे, और राम मंदिर के नाम पे, बाबरी मस्जिद विध्वंस के नाम पे अभी वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ईवीएम के खिलाफ पूरे देश भर में प्रोटेस्ट है, ईवीएम पे आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें।